शहर के अजनी पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजनी निवासी संकेत मिश्राम बताया जा रहा है, वो ऑटो चालक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित किशोरी सीतापट्टी में एक कपड़े की दुकान पर काम करती है। पीड़िता ऑटो से ही काम पर जाना आना करती है और आरोपी संकेत भी इसी मार्ग पर ऑटो चलाता है। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई। संकेत ने किशोरी को अपने प्रेम की जान में फंसाया और शादी का झांसा देकर समय समय पर उसे हवस का शिकार बनाता रहा। कुछ दिन पहले पीड़िता गर्भवती हो गई। उसने संकेत को जानकारी दी और विवाह के लिए दबाव बनाया। संकेत ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी और अजनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर संकेत को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। दिनांक 12/9/2024 ला एक मुलगी अल्पवयीन मुलगी ही धंतोली पोलीस स्टेशनला तिची आई समवेत गेली। तर तिला पोटाचा त्रास होत होता, त्यामुळे ती आधी दवाखान्यात गेली। तर दवाखान्यात तिला सांगण्यात आलं की ती गर्भवती आहे, त्यामुळे ती लगेच तिला पोलीस कंप्लेंट करायला दवाखान्यातर्फे सांगण्यात आलं असतं। ती धंतोली पोलीस स्टेशनमध्ये गेली, पण धंतोली पोलीस स्टेशनमध्ये तिला सांगण्यात आलं की सदरचे घटनास्थळ हे अजनी पोलीस स्टेशन अंतर्गत येते। तर तिने अजनी पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिला की 2023 मध्ये ही बर्डी मार्केट परिसरात खासगी कामाला जायची, त्यावेळेस तिची ओळख संकेत अमोल मेश्राम हा ऑटो चालक होता। ऑटो स्टँडवर त्याच्यासोबत ओळख झाली आणि ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले। त्याच्यानंतर मग 2023 मध्ये तो तिला असंच त्यांच्या भेटीगाठी सुरू असताना तिला त्याने म्हटले की चल माझ्यासोबत फिरायला जाऊ। ती फिरायला त्याच्यासोबत आली असता त्याने तिला त्याच्या घरी नेले, रूममध्ये नेले, प्लॉट क्रमांक 55 काशीनगर येथे। आणि तिथे घरी कोणी नसताना तिच्यावर धमकी देऊन तिथे जबरदस्ती केली आणि शारीरिक संबंध केले। यानंतर सुद्धा त्याने तिची बदनामी करेल अशी धमकी देऊन तिच्यासोबत शारीरिक संबंध केले। सदरची रिपोर्ट प्राप्त होताच आम्ही आमच्या तपास पथकाला याबाबत माहिती देण्यात आली व सदर आरोपीला गुन्हा दाखल व्हायच्या दुसऱ्या दिवशी अटक करण्यात आली। सध्या तो आरोपी अटक आहे आणि 3 दिवस त्याचा PCR मिळालेला आहे। याच्यावर पूर्वीचे 2021 पर्यंतचे 2 गुन्हे आहेत, चोरीचे गुन्हे आहेत, आणि सध्या 2021 पासून त्याचा काही रेकॉर्ड नाही आहे। ऑटो चालवायचं काम करायचं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।